आइए दोस्तों, आज हम विचित्र प्रकार के आकृति दे दें और उसका यदि हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो उसका क्षेत्रफल हम बहुत ही सरलता से निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए आज के वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ, इसके पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया हुआ है जो बहुत ही शानदार है। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न हो उसको बनाने के लिए मैंने सूत्र बनाना सिखाया है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आज के वीडियो में देखिए हम इस प्रकार के जो आकृति है, ध्यान दीजिए, यहां पर हम ये जो हमने छायांकित किया हुआ है नीले कलर में, इतने भाग का हमें एरिया निकालना है। देखिए बड़ा विचित्र टाइप का आकृति है और इस प्रकार के आकृति का क्षेत्रफल का कोई सूत्र नहीं होता। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? तो इस प्रकार की जब भी आकृति दे दे, निश्चित रूप से यदि आपने गणित पढ़ा है और गणित में यदि इस प्रकार का सूत्र पूछा जाए, इस प्रकार का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो कहीं ना कहीं गणित का कोई ना कोई सूत्र तो अप्लाई जरूर होगा। तो निश्चित रूप से इसमें भी गणित का कहीं ना कहीं कोई सूत्र अप्लाई करके गुणा भाग जोड़ घटा ऐसा करके हम करेंगे तो ये उत्तर जरूर आ जाएगा। तो इसका उत्तर बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है उसमें इसका त्रिज्या का मान दिया रहता है, ठीक है। जैसे यहां से यहां तक की दूरी, ये तो हम चल मानते हैं कि ये क्या है, उसका वृत्त का केंद्र है। हमें कल्पना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आर का मान दिया रहता है, जैसे ये आर है, ये आर है और ये भी आर है, ये भी आर है और यहां पर भी आर है, ठीक है। निश्चित रूप से यदि ये आर का मान है, ठीक है, ये आर का मान है और आर का मान दे दे रहे हैं यहां पर। चलो हम ये मानते हैं कि आर का मान जो है 2 सेंटीमीटर है, यहां पर सभी जो है 2 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि ये बराबर होता है, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर, ये सभी 2 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये आर का मान भी 2 सेंटीमीटर है। मतलब आप इसको इस प्रकार सोचें कि अगर हम इसको इस प्रकार खींच दें, इनके केंद्र को इसके केंद्र से मिला दें, इनको इनके केंद्र से मिला दें और यहां से आप एक रेखा खींच दें इसके, है ना, 90° का कोण बनाते हुए, यहां से भी 90° का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे तो हमें एक चित्र प्राप्त होता है इस प्रकार का। और यदि ये 90° का है, निश्चित रूप से 90° का ही होगा, है ना, ये देखिए, ये देखिए, तो यहां पर भी एक 90° का कोण ही बनेगा। तो यहां पर हमें एक आकृति प्राप्त होती है। देखिए इस प्रकार का जो आकृति प्राप्त होता है इसको हम बोलते हैं, अगर ये इसका लंबाई चौड़ाई बराबर हो, है ना, तो ये क्या कहलाता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना बड़ा ही आसान होता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का वर्ग। तो देखिए वर्ग के लिए यहां से यहां तक का आपको भुजा निकालना पड़ेगा, ठीक है, पूरा। तो ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर का हो गया। उसी प्रकार यहां से यहां तक ये भी कितना है, ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। इसका मतलब यदि हम इस वर्ग की बात करें, इसका हमने नाम तो नहीं किया है, लेकिन इस वर्ग के पूरे क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 × 4, है ना, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे, 4 × 4 = 16, मतलब यहां पर आ जाएगा 16 वर्ग इकाई। अब इकाई दिया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन हमें ये क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें तो इस नीले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और इस नीले भाग, इस छायांकित भाग के लिए कोई सूत्र नहीं है, तो फिर सूत्र किसके लिए है? तो ध्यान दीजिए, हमें सूत्र यहां से मिलेगा। अभी पिछला वीडियो में ही मैंने बताया था कि इस प्रकार के जो छायांकित भाग होते हैं, इस प्रकार का जो आकृति होता है उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग, देखिए ये तीन जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये तीनों भाग सेम भाग है, है ना। आप सोच भी सकते हैं कि इन तीन भाग को यदि इसमें एक भाग और मिला दिया जाए ना, तो वो एक वृत्त का निर्माण कर देगा। मतलब इसको, इसको और इसको, इसमें एक भाग और जोड़ दिया जाए तो एक वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा। मतलब हम एक वृत्त का क्षेत्रफल बना ले, ऐसा चाहे तो कर सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, लेकिन हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें एक चीज पता है कि इस प्रकार की जो आकृति दिया हो, है ना, इस प्रकार की आकृति दिया हो और इसका हमें क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो या फिर इसका लंबाई निकालना हो, दोनों ही सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसका अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है, चलो हम इसकी बात करते हैं, अगर हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका सिंपल सा सूत्र होता है ना, कोई भी चापखंड दिया होता है उसका यदि आपको क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, क्षेत्रफल किसका, इस चापखंड का, तो इसका सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है, इसका मान जो भी दिया रहेगा तो होता है θ/360 गुणित। चूंकि अगर हम क्षेत्रफल निकाले, यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम यहां पर क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² लेकिन यदि इसी में यदि हमें इस चाप की लंबाई निकालना हो
तो यहां पर हम क्षेत्रफल निकाल के क्या लिख देते हैं, 2πr लगा देते हैं, 2πr। तो यहां से उस चाप का लंबाई निकल जाता है, लेकिन थीटा बाई 360 मतलब थीटा बटे 360 गुणित 2πr करेंगे तो यहां से यहां तक की लंबाई निकलेगा इस चाप की। लेकिन इस क्षेत्रफल निकालना है इस कटे हुए भाग का, है ना, छायांकित भाग का, तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम इस एक भाग का निकालेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसे तीन भाग हैं, तो इस तीन भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। सिंपल सी बात है, तीन भाग का निकालने के लिए हम इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे उसको तीन से गुना कर देंगे या तीन बार जोड़ देंगे। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। अब देखिए ये जो थीटा का मान है वो कितने अंश है, 90 अंश है, तो यहां पर तो 90 आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 360 गुणित पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर का मान कितना है, यहां पर देखिए आर का मान यहां से है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा, यहां पर 4 नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 2 और इसका वर्ग, तो कितना हो जाएगा, देखो इसको शून्य शून्य से कटा देंगे, 9 से कट जाएगा, 1 बटे कितना जाएगा 9 चौक 36 मतलब 1/4, यहां पर आएगा 22/7 गुणित यहां पर कितना आएगा 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, अब यहां पर तो 4 और 4 कट गया, कुल मिला के यहां पर जो आंसर आ रहा है वो 22/7 है, है ना। अब 22/7 मतलब यहां पर तो केवल पाई का मान निकाल दिया जाए, तो इसका मान अगर हम हल करना चाहे तो कितना आ जाएगा 22/7 का मान 3.141, हम इतना मानते हैं अभी फिलहाल, तो 3.14 एक ही मानते हैं तीन स्थान होता, ठीक है, अन्यथा पाई का मान याद करने का बड़ी शानदार ट्रिक है जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। अब देखिए ये है केवल एक भाग का क्षेत्रफल, अब हमें ऐसे ही तीन भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है ना वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी यहां पर क्या है वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें यदि हम तीन भाग को घटा दें तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये देखिए इनका हो गया, इन्हीं को यदि हमें क्या करें, इन तीनों भाग का निकालना है, इन तीनों भाग का निकालना है, तो इसको हम तीन से गुना कर दें, ठीक है, तीन से गुना कर दें तो ये इन तीनों भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो गुना करके देखते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 का 2 + 1, 3 × 1 = 3 और कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, फिर कितना गुना करेंगे 3 × 3 = 9 मतलब 9.423, ये उसका क्षेत्रफल है किसका, इन तीनों भागों का। लेकिन आपको पता है कि उस जो क्या है वर्ग है उसका क्षेत्रफल तो इतना है, तो इतने में यदि हम इनको घटा दें, कैसे घटाएंगे देखिएगा, यहां पर हम घटा देते हैं, ये देखिए यहां से, ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा अगर हम इसमें घटाएंगे 16 में, जब उसको हम 0.0 मान लेते हैं, अब इसका मान कितना है 9.423। ध्यान दीजिए ये मान जो है आपके दशमलव के स्थानों तक कौन कौन से वैल्यू लिए हैं, आपने शुद्ध मान कितना लिया है उसके आधार पर यह मान परिवर्तित होगा। ध्यान दीजिएगा आप कितने स्थानों तक लेते हैं, तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, आप केवल मेथड सीखिएगा। यहां पर अगर हम घटाना चाहें तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, ये हासिल जाएगा 10 में आप घटाएंगे 3 तो 7 आएगा, यहां पर 9 बचा है कितना आएगा, यहां पर भी 7 आएगा, यहां पर देखिए चला गया है कितना बचा है 9 बचा है, तो 9 में आप 4 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा, फिर यहां पर 1 चला गया है कितना बचा है 15 हो गया है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 6 मतलब 6.577। ये जो मान है वो किसका मान है, इस छायांकित जो नीले भाग दिख रहा है उसका क्षेत्रफल होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहां जो क्षेत्रफल दिख रहा है इसमें यदि हम एक क्षेत्रफल को और जोड़ेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अर्थात अगर मैं यहां पर एक और क्षेत्रफल बनाता है, देखो ऐसा, तो इतने भाग जो है एक वृत्त का क्षेत्रफल होता तो ये वाला भाग तो बहुत कम है, इतने भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसको इस प्रकार हल कर सकते थे, जैसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर मतलब 22/7 है ना, 22/7 कहा जाए, और गुणित यहां पर 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो यहां पर इसको हल करके देखिए 4 × 8 और 4 × 8 मतलब 88/7, इसको भाग देंगे तो 7 × 1 = 7 होगा, 1 बचा तो 7 × 2 = 14 होगा, कितना बचा 4 बचा, अब कितना हो गया 40 हो गया, तो कितना बार जाएगा 7 × 5 = 35, कितना बचा 5 बचा, अब 50 हो गया, 7 × 7 = 49, इस प्रकार का वैल्यू आपको प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन ये किसका वैल्यू है, ये एक वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, मतलब इसको मिला दें तो ये चारों मिला के एक वृत्त का निर्माण कर रहा है, तो ये जो क्षेत्रफल मिल रहा है ना वो बहुत छोटा सा क्षेत्रफल है, जो निश्चित रूप से आप देखिए यहां पर जो प्राप्त हो रहा है इसमें भी आपको क्या करना होगा, इस एक भाग के क्षेत्रफल को निकालना है, और इस एक भाग का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला था कितना आया था 3.141 आया था, तो इसमें आप घटा कर देख लीजिए ये जो है किसका क्षेत्रफल है, एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है 12.57 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें यदि आप पुनः इसको घटा देते हैं
3.141 को, तो आपको पुनः छोटी संख्या प्राप्त होगा, यहां पर 6 आएगा, यहां पर कितना आएगा 7 में 4 घटाएंगे 3 आएगा, यहां पर 4 आएगा। उसके बाद ये देखिए इतना मतलब इतना कम क्षेत्रफल प्राप्त होगा किसका, आपने इसको घटाया है तो ये जो आया ये इस भाग का क्षेत्रफल होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है ना विचित्र टाइप का आकृति, तो निश्चित रूप से ये मान बहुत कम है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो मान निकाला है, कौन सा मान निकाला है कि ये जो छायांकित भाग नीला वाला भाग दिख रहा था उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आया था, इतना है ना 6.577 और ये दशमलव के स्थान के आधार पर आया है, तो निश्चित रूप से यह मान बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। उम्मीद है यह गणित आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा और इसी प्रकार के बेहतरीन गणित आप और बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। और हाँ, शानदार वीडियो के लिए बगल में दो वीडियो दिखाई दे रहा है उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।